अगर आपको अपनी जिंदगी से ढेरों शिकायतें हो चुकी हैं, आपको लगता है कि इस जिंदगी के महासंग्राम में आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है, आपके पास बहानों की लंबी चौड़ी लिस्ट बन चुकी है, तो मेरे दोस्त थोड़ा सा टाइम निकालो और इस वीडियो को पूरा देख, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूँ जिनके स्ट्रगल के बारे में सुनकर आपके पास कोई बहाना शेष नहीं बचने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली कहानी आती है जिम क्विक की। इस बंदे के स्ट्रगल की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जब ये बंदा छोटा था तो स्कूल में एक बेंच से गिरने की वजह से इसके सिर में चोट लग गई और उसके बाद इस बंदे के दिमाग ने ठीक से काम करना बंद कर दिया। जो कुछ भी स्कूल में पढ़ाया जाता इस बंदे के समझ में आना बंद हो गया। इसे स्कूल में द बॉय विद ब्रोकन ब्रेन के नाम से बुलाया जाने लगा और ये बात सीधे उस बंदे के दिल पर लगती थी और यही था उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन। जिस बंदे को कुछ समझ में नहीं आता था उसने अपने आप को साबित करने के लिए अपनी जिंदगी के 3 साल सिर्फ ये सीखने में गुजार दिए कि सेंटेंसेज को पढ़ा कैसे जाता है। इसे कहते हैं अपने आप को साबित करने की जिद और इसी जिद की बदौलत उस बंदे ने अपनी खोई हुई एबिलिटी को वापस ला दिया और फिर से पढ़ना सीख गया। वो रीडिंग एक्सपर्ट बन गया लेकिन समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई थी उसकी लाइफ से। एक दिन लाइब्रेरी से लौटते वक्त उनका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और वो सिर के बल नीचे गिर पड़े और उनके ब्रेन के दूसरे पार्ट में फिर से एक गंभीर चोट आई जिसने उनके समझने की क्षमता को और भी कम कर दिया और इस बार इस बंदे की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में अगर कोई और इंसान होता तो अब तक बहानों की लिस्ट तैयार हो चुकी होती, लेकिन इस बंदे ने सारी प्रॉब्लम्स और बहानों को साइड करके सॉल्यूशन पर फोकस किया। उस बंदे ने ये सोचा कि मेरी प्रॉब्लम है रीडिंग नहीं कर पाना और पढ़ा हुआ समझ में नहीं आना, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इस बंदे ने ठान लिया कि पहले मुझे ये समझना है कि इंसानी दिमाग काम कैसे करता है, कैसे याददाश्त इंक्रीज होती है। और यही समझने में इस बंदे ने इतने साल लगा दिए कि आज ये बंदा माइंड एक्सपर्ट और दुनिया के सबसे बड़े लाइफ कोचेज में से एक है। और आज जिम क्विक नाम का ये बंदा बड़े बड़े बिजनेसमैन को ट्रेन करता है, यहाँ तक कि इलोन मस्क को भी इस बंदे ने ट्रेन किया है। कितनी शिकायतें हैं आपको अपनी लाइफ से जिस बंदे के दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया था। अगर वो माइंड एक्सपर्ट बन सकता है तो इस दुनिया में कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है, बस एक जिद चाहिए उस काम को करने के लिए। दूसरी कहानी है अमेरिकन लड़की ओपरा विनफ्रे की, जिसका जन्म उस वक्त हो गया जब उसकी माँ अनमैरिड थी और उनकी बहुत कम उम्र थी। वो लोगों के घरों में नौकरानी का काम किया करती थी और इसी बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लड़की का बचपन कितनी गरीबी में गुजरा होगा, क्योंकि इस लड़की की माँ भी इसे नौकरानी का काम करने की वजह से ज्यादा समय नहीं दे पाई और इसी वजह से महज 10 साल की उम्र में इस लड़की के साथ कई बार यौन शोषण हुआ। इतनी कम उम्र में इस लड़की को गरीबी, बदहाली और कई बार हुए यौन शोषण ने अंदर तक तोड़ दिया। दोस्तों इस लड़की की जगह अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद सुसाइड करने के बारे में सोचता, लेकिन इस लड़की ने इतनी मुसीबतों के बावजूद हालातों से लड़ने का सोचा। जब वो 13 साल की थी तब उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कमजोर होने की वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई। दोस्तों जिस उम्र में हम जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं उस उम्र में ओपरा विनफ्रे अपनी जिंदगी के बहुत कठिन पड़ाव पार कर चुकी थी। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी लड़की के बोलने की स्किल्स ने टीवी के सबसे लो रेटेड शो एएम शिकागो को टीवी का सबसे टॉप रेटेड शो बना दिया। और आज ओपरा विनफ्रे न सिर्फ सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टीवी आर्टिस्ट है बल्कि अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला है। और इतना ही नहीं, फोर्ब्स के बिलियनियर्स के लिस्ट में भी ओपरा विनफ्रे का नाम शामिल है। जिस लड़की का बचपन गरीबी में गुजरा, जिसके साथ यौन शोषण किया गया, 2013 में उसी महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। इतनी कम उम्र में सब कुछ झेलने के बाद अगर ये लड़की कर सकती है तो आप क्यों नहीं। तीसरी कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका बचपन से ही एक्टर बनने का सपना था। कई सालों तक स्ट्रगल करने के बाद 1970 में इस बंदे को छोटे मोटे रोल मिलने लगे, लेकिन ये बंदा जानता था कि इसकी मंजिल ये नहीं है। एक दिन इस बंदे ने टीवी पर मोहम्मद अली और वेपनर का बॉक्सिंग मैच देखा और यहीं से उन्होंने दिन रात एक फिल्म की स्टोरी पर काम करना शुरू कर दिया और एक स्क्रिप्ट तैयार की। वो बंदा स्क्रिप्ट को लेकर प्रोडक्शन हाउसेज के पास जाने लगा, लेकिन ये जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। ये बंदा कई महीनों तक एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में भटकता रहा, किसी को भी उनकी ये स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। लेकिन कहते हैं ना कि अपने आप पर अगर भरोसा हो तो पूरी दुनिया जीती जा सकती है। उस बंदे को अपनी स्क्रिप्ट पर पूरा भरोसा था, उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। एक दिन ऐसा भी आया इस बंदे की लाइफ में कि अपना पेट पालने के लिए इन्हें अपना कुत्ता महज $25 में बेचना पड़ा। वो दौर इस बंदे की लाइफ का सबसे कठिन दौर था। दोस्तों एक बार सोच कर देखो, इस बंदे की जगह अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो स्क्रिप्ट को साइड में फेंक कर कोई जॉब कर रहा होता।
लेकिन ये बंदा उसके बाद भी कोशिश करता रहा। आखिरकार इस बंदे की स्क्रिप्ट रॉबर्ट रेडफोर्ड को इतनी पसंद आई कि इस स्क्रिप्ट के लिए उस बंदे को $125,000 ऑफर किए गए। लेकिन ये बंदा जिद्दी था, उसे जिद थी सुपरस्टार बनने की। उस बंदे ने अपनी कंडीशन सामने रखी कि इस फिल्म में लीड रोल मैं निभाऊंगा। रॉबर्ट रेडफोर्ड ने उसको कहा कि अगर तुम लीड रोल करोगे तो तुम्हें सिर्फ $30,000 ही दिए जाएंगे। लेकिन वो बंदा कम पैसों में भी लीड रोल करने के लिए तैयार था। और 1976 में इस बंदे की मूवी रिलीज हुई रॉकी, जो सुपर डुपर हिट रही और वो बंदा सुपरस्टार बन गया। इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड दिया गया। शायद आप समझ गए होंगे, ये पूरी कहानी थी हॉलीवुड सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टेलोन की। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है उस बंदे की जो 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाने की पूरी तैयारी में है। जब ये बंदा 12 साल का था, उस उम्र में ही इस बंदे ने इतनी किताबें पढ़ ली थी जितनी ग्रेजुएशन करने तक पढ़नी पड़ती हैं। और इतनी कम उम्र में ही इस बंदे ने ब्लास्टर नाम का एक कंप्यूटर गेम बना डाला, जिसे $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को सेल कर दिया। बड़ा होकर अपनी मेहनत की बदौलत इस बंदे ने अपनी एक कंपनी ओपन की, जिसे किन्हीं कारणों से बेचना पड़ा, जिसके लिए उन्हें 1,000 करोड़ रुपए मिले। लेकिन ये बंदा जिद्दी था। वो कहता था कि मैं एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो कम कॉस्ट में स्पेस में जाएगा भी और वापस आएगा भी। जब उस बंदे का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तो उस बंदे ने उन पैसों से अपनी खुद की SpaceX नाम से कंपनी ओपन की और पहला रॉकेट लॉन्च किया, जो असफल हो गया। इसी तरह उसने 3 बार रॉकेट लॉन्च किए, लेकिन तीनों बार असफलता मिली। और अब इस बंदे के पास पैसे खत्म हो चुके थे, लेकिन इस बंदे ने एक बार और ट्राई करने के लिए अपना घर तक बेच दिया। दोस्तों, कोई पागल खोपड़ी वाला इंसान ही होगा ना जो सपना पूरा करने के लिए अपना घर तक बेच दे। उन पैसों से उस बंदे ने 4th रॉकेट लॉन्च किया और इस बार उन्हें सफलता मिल गई। साथ ही $1.5 बिलियन का नासा से भी प्रोजेक्ट मिला। दोस्तों, उस बंदे का नाम है इलोन मस्क। जिस बंदे को कभी अपना घर बेचना पड़ा था, आज उस बंदे की नेटवर्थ 1,40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अगर इतिहास रचना है तो थोड़ा पागल तो आपको भी बनना पड़ेगा। और ऐसी ही एक पागलपन भरी कहानी है माइकल फिलिप्स की, जिसने ओलंपिक्स से पहले ही अनाउंस कर दिया कि मैं स्विमिंग में मार्क स्पीच का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। उसने 7 गोल्ड मेडल जीते थे और मैं एक ही बार में 8 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लूंगा। दोस्तों, कोई पागल ही होगा ना जो ऐसा बोलने की हिम्मत करेगा। ये अनाउंसमेंट करने के बाद उस बंदे का बहुत मजाक उड़ाया गया। जितना भी इस बंदे का मजाक उड़ाया जाता, वो उसके लिए फ्यूल का काम करता था। वो बंदा रुकने वालों में से नहीं था। उसने ये जिद कर ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, 8 गोल्ड मेडल तो मैं ला कर रहूंगा। 7 गोल्ड मेडल जीतने वाले मार्क स्पीच, जहां पर रोज 8 घंटे की प्रैक्टिस किया करते थे, वही ये बंदा रोज 12 घंटे की प्रैक्टिस किया करता था। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बेजिंग ओलंपिक्स में इस बंदे ने 8 गोल्ड मेडल जीतकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसे कहते हैं असली जिद। अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। परेशानियां तो इन लोगों की लाइफ में भी थी, लेकिन इन लोगों ने परेशानियों के बोझ तले दबकर मरने के बजाय उनके ऊपर चढ़कर अपने आप को इस दुनिया के लिए मिसाल बना दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज के लिए इस मोटिवेशनल विंग्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।